सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत से हमारे व्यूवर्स का ये कमेंट आ रहा है जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक्स फॉर कमेंटिंग, थैंक्स फॉर कॉलिंग एंड आवर टीम इज हेल्पिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन बिहार। अब इसका जो पहला क्वेश्चन लिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एडमिशंस कब होंगे? बहुत से हमारे बिहार बोर्ड्स के बच्चे भी कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हम लोगों से, सर बताइए हमारा एडमिशन कैसे या कब होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हम अपने CBSE बोर्ड्स या टॉप स्कूल्स पटना के उनमें या ब्रांडेड स्कूल में एडमिशन ले या ले सके। तो क्या प्रोसेस है सर, क्या सिलेबस है, क्या फी है, कैसे एडमिशन होगा, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या पैटर्न्स है, ईच एंड एवरी डिटेल्स इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, अमुक स्कूल जो है उन्होंने टर्म वन के बेसिस पर अपना रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है। सबसे पहले DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना, उसने 11th क्लास के लिए टर्म वन का जो इंटर एग्जामिनेशन हुआ है CBSE क्लास के बच्चों के लिए, उनके लिए ऐसा रूल निकाला था। पटना कार्मल स्कूल पटना, इसने भी अपना जो एडमिशन डिटेल्स क्लास 11th के बच्चों के लिए निकाला था जो कि ICSE बोर्ड से पास आउट है। CBSE बच्चों के लिए अभी तक CBSE बोर्ड्स के लिए अभी तक पटना कामल स्कूल्स ने कोई भी वैकेंसी आउट नहीं की है। आई रिपीट, CBSE बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए उसने कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है। तो आप घबराए एकदम नहीं, हमारे चैनल पर आपको सटीक और सही जानकारी देने का हमेशा प्रयास किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। अब बात ये निकल के आती है सर, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होने चाहिए, कैसा क्या होता है, सिलेबस में क्या पूछा जाता है। तो अगर सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, ये है कि आप क्या चीज ऑप्ट कर रहे हैं, या कि आप कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, साइंस में मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं, साइंस में बायो ऑप्ट करना चाहते हैं। अब ये क्लास टेंथ में बहुत से बच्चे ने बेसिक मैथमेटिक्स लिया होगा, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया होगा, उसी के बेसिस पे बहुत से कोर्सेज में आपको इनरोलमेंट मिलेगा क्लास 11th के पटना के टॉप स्कूल में। फॉर एग्जाम्पल संत माइकल, लोयला, पटना कार्मल स्कूल, पटना नोटर डेम अकेडमी, DAVBSEB कॉलोनीज, सो मेनी ब्रांडेड स्कूल्स की अगर हम बात की जाए, तो सारे ब्रांडेड स्कूल्स में आपको 11th क्लास के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा, सारी चीज़ें बैक टू बैक हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में कवर की जा चुकी हैं, जो कि DPS के वीडियोज़ में आपको लिंक में डाल दिया जाएगा, उसका प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। DPS एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल की वीडियोज़ में मैंने, हम लोगों ने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से विषय के लिए आपके कौन कौन से विषय ऑप्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे जो CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड का जो मैथमेटिक्स क्लास 10th में होता है वो बेसिक और स्टैंडर्ड में डिवाइड किया हुआ रहता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्वेश्चंस कैसे और किस तरह से कोर्सेस आपने इनरोलमेंट लिए हुए हैं, क्या आपने ऑप्ट किया था। बिहार बोर्ड के बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए भी 26 मई तक एग्जाम चलने वाले हैं CBSE बोर्ड्स के बच्चों की, तो उसके बाद ही आप पटना के टॉप स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी वैकेंसी बैक टू बैक आने वाली है, उसमें भी हम एक अपना डिटेल वीडियोस बनाएंगे कैसे आप फॉर्म को फिलअप करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। इस बार सारे फॉर्म फिलअप होते हैं, इवन इन ऑल ओवर द बिहार ऑल द सीट्स आर फिल्ड बाई द ऑनलाइन फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन मैथड। So what are you waiting for? If you are new to our channel, then please like and subscribe, press the notification bell for the latest videos we are uploading in the Mission Admission 2022 and 11th class. LKG, UKG, class 1, class 3, class 4 के बहुत सारे बच्चे हमारे से बेनिफिटेड थे, पूरे बिहार से बेनिफिटेड हुए हैं और हमारे सेकंड बैच तुरंत स्टार्ट होने वाला है फॉर के दी LKG मिशन एडमिशन 2022 बैचेस फॉर द न्यू एकेडमिक कोर्सेस। अगर अभी तक आपने इनरोलमेंट नहीं लिया है, चूंकि 11th क्लास के किसी भी स्टॉप स्कूल्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इंटर एग्जामिनेशन के माध्यम से ही गुजरना होगा, और उसमें मैथ्स में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, साइंस में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ईच एंड एवरी सवालों का जवाब हम, हमारी टीम, मैं खुद आपको काउंसलिंग करने के लिए रेडी हूँ। आपको टेस्ट सीरीज से गुजरना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें बैक टू बैक नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको बैक टू बैक प्रोवाइड की जाएंगी। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हो, और क्लास 11th में अच्छे स्कूल के टॉप स्कूल्स में आप इनरोलमेंट लेने का प्रयास, हमारा भी प्रयास, आपका प्रयास मिलके हम करेंगे, और हम चाहेंगे कि आपको एक अच्छा स्कूल और बेहतर स्कूल मिल सके।
इस आज के लिए धन्यवाद। अगले वाले वीडियोस में हम बहुत सी चीज़ें को लेके आएंगे, स्कूल्स में कौन कौन से एफिलेटेड स्कूल्स है, हमारा एक वीडियोस उसमें ही बन चुका है, आगे की सीरीज मौसम चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन के दौर में वीडियोस हमारे बन चुके हैं, तो घबराए नहीं, हमारा मैसेज यही है कि घबराए नहीं, 26 मई के बाद ही बहुत से स्कूल अपने नोटिफिकेशन निकालेंगे, अभी कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं किया जा रहा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं आपने एक अच्छे और जानदार वीडियो, ज्ञानदार वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।